सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पितृ विसर्जन का दिन है। बीते 15 दिनों में हमने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय किए, श्राद्ध किए, तर्पण किए, जो भी क्रियाएं होती हैं की, लेकिन आगामी 9 दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखेंगे। यह शारदीय नवरात्र भगवती को प्रसन्न करने का, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने का, अपने जीवन में अमंगल को मंगल में परिवर्तित करने का सबसे बड़ा साधन है। तो प्यारे भक्तों, दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों और टीवी पर देख रहे मेरे सभी भाई बहन, इस शारदीय नवरात्र में कम से कम पूजा विधान को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा भगवती को कैसे प्रसन्न किया जा सके और क्या उपाय करें जिससे माँ प्रसन्न हो और हम सबको मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति हो। कलश स्थापन से लेकर के मुहूर्त तक की चर्चा हम लोग करेंगे और इन सब में वह छोटा से छोटा साधन, वह छोटा से छोटा भाव कैसे रखें कि भगवती का कृपा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस बार के शारदीय नवरात्र के मुहूर्त पर। देखिए साथियों, सबसे ज्यादा आवश्यक मुहूर्त विचार होता है। कारण यह है कि जब कोई कार्य अच्छे मुहूर्त में नहीं किया जाएगा, उस कार्य की सिद्धि अच्छी नहीं हो सकती। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसके मुहूर्त पर जरूर विचार करना चाहिए। जैसे अगर आप शुभ योग में कोई कार्य शुरू करते हैं, लाभ योग में कोई कार्य शुरू करते हैं, तो इससे आपके कार्य की सफलता सिद्ध हो जाती है, आपका कार्य सफल होता है और आपको जिस कार्य के लिए आप जो अनुष्ठान कर रहे होते हैं वो पूरा हो जाता है। और यदि वही कार्य किसी गलत नक्षत्र में हो, किसी गलत मुहूर्त में हो, किसी पाप ग्रहों के साथ हो, तो वो कार्य आपका अनिष्ट फलदायी साबित होता है, सिद्ध होता है। तो आज सबसे पहले इस बार के शारदीय नवरात्र के मुहूर्तों पर विचार करेंगे कि आखिर कब क्या मुहूर्त है। सबसे पहले जो कलश स्थापन का मुहूर्त है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आश्विन प्रतिपदा यानी पहला दिन जो कल से प्रारंभ हो रहा है, 26 सितंबर, 3:23 से प्रतिपदा शुरू हो रही है और इस तिथि का जो समापन है वह 27 सितंबर सुबह 3:30 तक है सुबह। और जो कलश स्थापन का हमारा मुहूर्त है वह सुबह 6:17 से 7:55 तक, यानी लगभग 1:38 का मुहूर्त हमें कलश स्थापन के लिए मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, इस बार ब्रह्म मुहूर्त जो आपका है वो सुबह 4:41 से 5:29 तक है। साथ ही साथ अभिजित मुहूर्त जिसमें हम कलश स्थापन करें तो विशेष लाभ होता है, 11:54 से 12:42 तक है। इसी तरह से विजय मुहूर्त 2:18 दोपहर से शाम के यानी अपराह्न के 3:07 तक, और गोधूली मुहूर्त शाम 6 बजे से शुरू होकर के 6:30 बजे तक है। यह शारदीय नवरात्र हम सबके जीवन के लिए बहुत अनमोल होता है और सबसे बड़ी बात, माँ तो आखिर माँ है। माँ का बच्चों के प्रति अगाध प्रेम होता है, अपार प्रेम होता है। आप जरा सा माँ को मनाने का प्रयास करिए, माँ खुद ही रीझ जाती है। तो इस शारदीय नवरात्र हम सभी माँ को रिझाने का छोटा सा प्रयास करेंगे। साथियों, इस नवरात्र बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है और इस बार शारदीय नवरात्र की जो शुरुआत है वह शुक्ल और ब्रह्म योग से शुरू हो रही है। ब्रह्म योग का जो समय है वह 26 सितंबर 2012 को यानी कल सुबह 8:06 से 27 सितंबर के सुबह 6:44 तक है, और जो शुक्ल योग है वह 25 सितंबर को यानी आज से ही सुबह 9:06 से और 26 सितंबर को सुबह 8:06 तक रहेगा। घट स्थापना का विशेष महत्व, आप जानते हैं कि कलश स्थापन नवरात्र में विशेष महत्व है, इसलिए घट स्थापन करने में, कलश स्थापन करने में कोई भी कोताही, कोई भी कमी नहीं बरतनी चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि घट स्थापन में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है और घट स्थापन की विधि विधान को जानने की जरूरत है। सबसे पहले हम सब स्वच्छ मिट्टी ले लें, तांबे या मिट्टी या जो भी धातु का आपके पास कलश हो, कलश के साथ ढक्कन हो, कलावा हो, लाल कपड़ा हो, नारियल हो, सुपारी हो, गंगा जल हो, दूर्वा हो, आम या अशोक के पत्ते हों, सप्तधान यानी 7 तरह के अनाज हों, अक्षत हो, लाल फूल हो, सिंदूर हो, लौंग हो, इलायची हो, पान और मिठाई, इत्र सुगंधित कोई भी द्रव्य और एक सिक्का हो।
कलश जहां भी आप रखना चाहते हैं उस वो जगह बहुत जगह का बहुत महत्व है। जगह को शुद्धता करना आवश्यक है, शुद्धता का बहुत ध्यान दें पूजा में। पूजा कम हो विधान कम हो लेकिन स्वच्छता जरूरी है। कलश आपको जहां रखना है उस जगह के अच्छे से लेपाई कर लीजिए, स्वच्छता कर लीजिए, गंगा जल डालकर उस जगह को पवित्र कर दीजिए और उसके बाद वहां पर कलश को पहले जैसे मिट्टी का कलश है उसमें गोबर से गोंठा भी जाता है, अगर गोंठ करके गोबर से आप जौ लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा, और नहीं करते हैं धातु का कलश है वो नहीं करते हैं तो उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, ओम लिखें या त्रिशूल का चिन्ह बनाएं, मंगल चिन्ह जो भी अपने हिंदू धर्म के सनातन के हैं आप उनको बना सकते हैं। और इसके बाद कलश में रक्षा सूत्र से कलश के गले में लपेट दें और उसके बाद कलश स्थापन करें। कलश स्थापन के अंदर थोड़ी सी मिट्टी कलश में डालें, थोड़ा सा जौ डालें और उसके बाद जल से भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें, सिक्का डाल दें, अक्षत डाल दें, दूर्वा डाल दें, लाल चंदन डाल दें और सुपारी डाल दें, दूर्वा डाल दें। उसके बाद कलश के ऊपर ऐसे अगर आम का पल्लव हो तो आम का पल्लव लगाएं, नहीं मिल रहा तो अशोक के पल्लव से काम चला सकते हैं। उसके ऊपर एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटें, रक्षा सूत्र से बांधें और नारियल को स्थापित कर दें। ये आपके कलश स्थापन की विधि होती है। इसके बाद कलश की पूजा, कलश मंत्र क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा आपको क्योंकि मंत्र आप याद नहीं कर पाएंगे, आप इतना मन में माँ का सुमिरन करते रहिएगा और माँ से केवल इतना कहिएगा कि माँ ये कलश आपके निमित्त अपने संकल्प के निमित्त मैं स्थापित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसमें स्वतः विराजमान होकर के हमारी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद किसी चौकी पर जिस पे आप माँ को स्थापित करना चाहते हैं, आपके घर में पहले से प्रतिमा है, अगर मिट्टी या कागज इत्यादि की कोई प्रतिमा आप रखते हैं तो सबसे पहले उस पर कांच लगा लें ताकि जो भी जल आप सिंचित करें माँ को स्नान कराएं तो उससे मूर्ति की जो छवि है स्वरूप है वो ना बिगड़ जाए। सबसे पहले आवाहन करना चाहिए, किसी देवी देवता को बुलाना चाहिए तो माँ के आवाहन के लिए अपने हाथ जोड़ें, माँ के सामने हाथों में पुष्प ले लें, हाथ कभी खाली न जोड़ें, इसका ध्यान रखें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे माँ के जो सहज और सरल मंत्र हैं, श्लोक हैं, इनसे माँ की वंदना करिए और ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आवाहनम समर्पयामि, माँ को आवाहन करिए समर्पित। और उसके बाद माँ को बैठाने के लिए आसन की व्यवस्था आपको करनी है, हाथ में 5 फूल ले लें, प्रयास करें लाल फूल हों तो बहुत सुंदर है, और उस मूर्ति के सामने माँ की मूर्ति के सामने आसन स्वरूप उन 5 फूलों को छोड़ दें, दुर्गा देव्यै नमः आसनम समर्पयामि। पादयोः पाद्यं हस्त्योरर्घं मुखाम्बुजात्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। आप अपने पात्र से 5 बार उस पुष्प से, या आपके पास आत्मनी हो तो 5 बार आत्मनी से जल गिरा दें। इससे पादयोः पाद्यं हस्त्योरर्घं मुखाम्बुजात्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि, ये 5 बार जो जल आप गिराएंगे इन चीजों के लिए हो जाएगा। और बार बार पूजा करते रहें, पूजा का मंत्र विधान आपको नहीं पता है, आप माँ का नाम ओम दुर्गा ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः जपते रहिए, और या माँ का बीज मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विश्वे ये जपते रहिए। बस ध्यान रहे माँ न भूलने पाए, नाम आपको जपना ही जपना है। और फिर माँ को स्नान कराने के बाद माँ को देखो लाल चुनरी सबसे ज़्यादा पसंद है तो वस्त्र में अगर लाल चुनरी लाए हैं तो बहुत सुंदर बात है, अगर चुनरी का अभाव है नहीं ला पाए हैं तो आप रक्षा सूत्र को तोड़ करके वस्त्र स्वरूप माँ के ऊपर अर्पित करिए या जो भी माँ का विग्रह है उसमें बांधने का प्रयास करिए। वस्त्र के लिए सीधा कहिए माँ से कि ऐ मैया रानी हमारे पास यही व्यवस्था है, आप हमारे वस्त्र को स्वीकार करिए। ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः या ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद पुनः आत्मनि से जल गिरा दें। और इसके बाद यदि आपके पास श्रृंगार स्वरूप कोई माँ के आभूषण हैं, हार है, कुछ भी मार्केट से आप बाजार से हार लाए हैं पहनाने के लिए तो माँ को जेवर स्वरूप आभूषण स्वरूप उस हार को पहनाइए।
ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः आभूषणम समर्पयामि। माँ को ऐसा मंत्र पढ़ करके आभूषण समर्पित करिए। इसके बाद माँ को चंदन लगाने का विधान है। लाल चंदन वैसे माँ को बहुत प्रिय है। अगर लाल चंदन आपके पास है तो माँ को लाल चंदन से तिलक करें, नहीं है तो रोली से तिलक करें और कहें ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः चंदनम समर्पयामि। कुछ भी हो आप केवल ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः चंदनम समर्पयामि ऐसे करते चले। एक मंत्र केवल रटे आप, इसी मंत्र से पूरी माँ की पूजा आप कर ले जाएंगे। इसके बाद रोली का या कुमकुम का आप माँ को तिलक कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः कुमकुमम समर्पयामि। इसके बाद माँ को कज्जल बहुत प्रिय है क्योंकि श्रृंगार है, तो कज्जल माँ को चढ़ाएं। ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः या ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः कज्जलम समर्पयामि। यह सौभाग्य का वर्धन करता है। काजल और सिंदूर इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जो भी देवियों की पूजा अगर आप करते हैं तो उसमें श्रृंगार की सामग्री बहुत आवश्यक है, श्रृंगार का ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास सौभाग्य सूत्र है, मंगल सूत्र है या कुछ इस तरह की व्यवस्था है तो आप सौभाग्य सूत्र ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य अगर आपके पास सेंट है, इत्र है या कोई स्प्रे सेंट आप लाए हैं तो विग्रह पर माँ को अर्पित करते हुए उस सुगंधित द्रव्य को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। इसके बाद माँ को हल्दी अर्पित करिए। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः हरिद्राम समर्पयामि। और हल्दी के बाद माँ को अक्षत चढ़ा सकते हैं आप। ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः या ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। अक्षत में ध्यान रहे, चावल के कण ना हो, टूटे ना हो। अक्षत का मतलब जिसका नुकसान नहीं हुआ हो, क्षत बिक्षत ना हो, खड़े चावल को ही माँ को अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथों में आप पुष्प ले लें और माँ को पुष्पांजलि करें। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि। बिलुपत्र तोड़ के रखें, माँ को भी बिलुपत्र चढ़ाया जाता है। और ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः बिलुपत्रम समर्पयामि, माँ को बिलुपत्र चढ़ाइए। माँ को धूप अर्पित करना है। ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः धूपम आघ्रापयामि, माँ को धूप बिल्कुल दिखाइए। और उसके बाद दीप जला लीजिए, कर्पूर का चाहे जला लीजिए चाहे दीपक जला लीजिए और माँ को फिर दीप दिखाइए। चंद्रमा मनसो जात सच्चो हो सूर्यो अजायत श्रोता वायु से प्राण से मुखाद निर्जायत। मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। आप ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। दीप दर्शन के बाद आप अपने हाथ को धुल लेंगे। फिर हम लोग माँ को नैवेद्य अर्पित करेंगे। अपने पूजा विधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है नैवेद्य। अतिथि चाहे जैसे आए आप उसको वस्त्र अच्छे नहीं भी देंगे, स्नान करने के लिए जल बहुत अच्छा नहीं भी देंगे, सब कुछ भी कमियां चल सकती हैं, लेकिन नैवेद्य अगर अच्छा नहीं होगा, भोग अच्छा नहीं होगा तो अतिथि आपका कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें माँ की पूजा में कि आपको नैवेद्य पर पूरा फोकस करना है। और किसी भी अतिथि को, किसी भी देवता को, किसी भी माँ को प्रसन्न करने के लिए नैवेद्य एक बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि माँ के नैवेद्य में बहुत ही सावधानी बरतें। पहले चीज स्वच्छता का और दूसरी चीज जितना खिला सकें, जितना अच्छा खिला सकें भगवती उतना अधिक प्रसन्न होंगे। और जैसे कल माँ शैलपुत्री का दिन है तो शैलपुत्री माँ को, अभी हम शैलपुत्री माँ की चर्चा करेंगे तब उसमें आपको यह भी हम बताएंगे कि माँ को सफ़ेद भोग पसंद है। और अगर घी का, केवल घी चढ़ाइए, देसी घी गाय का हो तो एक कटोरी में लीजिए और शैलपुत्री माँ को अर्पित कर दीजिए। यह देसी घी का जो उपाय है, आप शैलपुत्री माँ को कल देसी घी एक कटोरी में चढ़ाइए। और यदि कोई बीमार आपके घर में, रोग से आप परेशान हैं, आप वह घी जो है कटोरी का माँ शैलपुत्री को उस बीमार के नाम से चढ़ा दीजिए। आप देख लीजिएगा कि बीमारी में सुधार होगा। रोग से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। और दूसरी चीज, माँ को गुड़ बहुत पसंद है तो कल गुड़ और घी का भोग अच्छे से लगाइए। हर दिन हम आपको बताएंगे कि किस माँ को नव दुर्गा में किस माँ को किस तरह का भोग पसंद है और आप उन्हें क्या कहा सकते हैं। तो कल यानी शैलपुत्री माँ को हम लोग गुड़ और घी का भोग लगाएंगे या गुड़ से बनी चीजों का, देसी घी से, शुद्ध देसी घी गाय का,
ये प्रयास करिए। बहुत सारे मार्केट में नकली फर्जी भी आ रहे हैं, उनके चक्कर में न पड़ के जहाँ विश्वास हो मार्केट के ही हो, तो विश्वास हो कि ये अच्छा घी है, आप उनका प्रयोग करें। तो कल हम लोग नैवेद्य जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग, इसमें माँ को घी का भोग लगाएंगे और गुड़ से बनी सामग्रियों के या गुड़ का भोग लगाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, माँ को मधु बहुत पसंद है, ये नव दुर्गा को, हमारी देवी माँ को, दुर्गा मैया को मधु बहुत पसंद है, तो आप मधु का भी भोग लगा सकते हैं। क्या बोलना है? ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा दिव्ये नमः नैवेद्यम निवेदयामि। और नैवेद्य के बाद आपको 5 बार जल गिराना है आचमनीय स्वरूप, और नैवेद्य के बाद हम माँ को जो भी फल हमारे पास उपलब्ध होंगे उस फल को चढ़ाएंगे, ऋतु फल को, और माँ को अर्पित करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा दिव्ये नमः ऋतु फलम, या ऋतु ज्यादा हो तो ऋतु फलान समर्पयामि। माँ को ऋतु फल समर्पित करिए जो भी हो, और उसके बाद जो है फल के बाद पुनः हाथ धुल लेंगे आप। उसके बाद माँ को पसंद है सबसे अधिक, आप जानते ही हैं, नारियल। नारियल अगर आपके पास रखा है तो माँ को ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा दिव्ये नमः नारिकेलम समर्पयामि, नारियल का फल माँ को अर्पित करिए। नारियल आप सजल कच्चे नारियल बाजार में मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, या सजल नारियल जो सूखे उसमें आता है वो भी ले सकते हैं। इसके बाद माँ को एला लवंग चूड़ा जैसे ही तम इलायची लवंग के साथ माँ को पान का पत्ता लाइए और पान अच्छे से खिलाए ताम्बूलम, ओम दुम दुर्गा दिव्ये नमः ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूल के बाद माँ को सिंदूर चढ़ाइए, और सौभाग्य का स्वरूप सिंदूर अगर आप पहले चढ़ा चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ ताम्बूल के बाद सिंदूर, ओम दुम दुर्गा दिव्ये नमः ताम्बूलम समर्पयामि, दुम दुर्गा दिव्ये नमः सिंदूरम समर्पयामि। उसके बाद जो भी पूजा में कमियां हो उसको पूरा करने के लिए हम लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो जो भी आपके पास दक्षिणा उपलब्ध हो माँ को वहाँ अर्पित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा दिव्ये नमः दक्षिणा द्रव्यम, या ज्यादा हो तो दक्षिणा द्रव्याणि समर्पयामि। इसके बाद पुस्तक की पूजा, जिस ग्रंथ को, चालीसा को, सप्तशती को आप पढ़ने वाले हैं, पाठ करने वाले हैं, आप उनकी पूजा करें, और अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसका भी पूजन वहाँ पर पंचोपचार से कर सकते हैं, तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, दक्षिणा दें, प्रणाम करें, बड़े भाव से सब लोग माँ की आरती करें, पूरे परिवार को साथ बुलाएं, और परिवार के साथ माँ की कपूर से, घी के दीपक से, धूप अगरबत्ती से, जो आपके पास उपलब्ध है उसमें माँ की झूम करके आरती करें, जय अम्बे गौरी या जय जगत, जो भी आरती आपको, अम्बे तू है जगदम्बे काली, बहुत सुंदर सुंदर आरतियाँ, माँ तो रीझ जाती हैं भाव में, तो आप मैया की आरती करें सुंदर रूप से, और उसके बाद पूरे परिवार के साथ हाथ में पुष्प लें और माँ से क्षमा मांगें। अंत में कहें कि मैया हमसे यदि मेरी आपकी पूजा करते समय हमारे परिवार से यदि कोई भूल हो गई हो तो माँ बालक समझ करके, अपना बेटा समझ करके, अपनी बेटी समझ करके मेरी उन भूल को भुला दीजिए और मेरी पूजा स्वीकार करिए। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। ऐ परमेश्वरी मैया, हमें आवाहन पता नहीं है, हमें ध्यान पता नहीं है, आपके विसर्जन की, अर्चन की कोई विधि विधान नहीं पता है, बस जैसा मैंने चढ़ा दिया है आप उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। देखो मेरे भाई बहन, मैंने पहले चर्चा आपसे करी, पूजा में अनेक तरह के विधान हैं, आपकी पूजा ज्ञान प्रधान हो सकती है, आपकी पूजा कर्म प्रधान हो सकती है, आपकी पूजा भाव प्रधान हो सकती है। देखिए भाव प्रधान मतलब भक्ति प्रधान पूजा, और ये पूजा मुझे लगता है, ये मेरा अपना मानना है, इस पर मैं किसी पुराण से या कहीं वेद से टिप्पणी नहीं चाहता हूँ किसी संत महात्मा का, ये मेरा अपना मानना है कि भाव प्रधान पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है, क्योंकि इसमें कोई कमियां भी हो जाए तो देवता माँ या जो भी जिनकी पूजा हम करते हैं वो सहजता में हमें क्षमा कर देते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से गलती करता है, अपनी माँ को मार देता है, छोटा सा रहता है, स्तनों को निचोड़ लेता है दूध पीते समय, पता नहीं क्या क्या गलतियाँ करता है, फिर भी माँ उसको सहज में क्षमा कर देती है, उस क्षमा क्या उसकी गलतियों को देखती नहीं। तो ये भाव प्रधान पूजा जो है, आप जैसे भी जो भी आपके पास उपलब्ध है मैया को अर्पित करिए और माँ समझ करके पूजा। कर्म प्रधान पूजा वो है,
खोडसोपचार हम कर रहे हैं तो हमारे पास सभी सामग्रियां समुचित मात्रा में मौजूद हों। और ज्ञान प्रधान पूजा करना है तो हमें हर सामग्री चढ़ाते मंत्र का पाठ करना है, और मंत्र के साथ एक ज्ञान प्रधान पूजा में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां ज्ञान से पूजा होगी। तो हम आपसे ये कहते हैं, ये भक्ति प्रधान पूजा है, ये भाव प्रधान पूजा है, माँ को मनाने का अच्छा अवसर है, सब लोगों को माँ को मनाना चाहिए।